सरकार को जब भी कोई आयोजन करना होता है देश में प्रदेश में तो उसके लिए अपनी वो पूरी ताकत झोंक देती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर दिखाऊंगा जिसे देखकर आप सोचने पे आमादा हो जाएंगे कि वाह ये भी क्या गजब की एकजुटता है। एकजुटता ये है कि जब बस्तर के आदिवासी किसी आंदोलन या आयोजन को करने के लिए एकजुट होते हैं तो किस तरह से सारी चीज़ों को एक साथ मिलकर वो पूरा करते हैं और कितनी खूबसूरती से उस पूरे कार्यक्रम को पूरा करते हैं और आगे ले जाते हैं, उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अगर आपको पता हो तो 17 मई 2021 को बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर क्षेत्र में सिलगेर में कैंप के विरोध में ग्रामीणों के आंदोलन में हुई फायरिंग में 3 ग्रामीणों की मौत हुई थी और मौत का यह आंकड़ा आगे चल के 5 हो गया था ग्रामीणों के हिसाब से। और इस आंदोलन को लेकर आज पूरे 1 साल हो गए हैं और 1 साल से लगातार यह आंदोलन चल रहा है। अब इस आंदोलन की आज बरसी है जिसमें 3 ग्रामीण मारे गए थे 17 मई को, आज ही के दिन। तो ऐसे में एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई है ग्रामीणों के द्वारा, मूलवासी बचाव मंच के द्वारा। अब देखिए, मूलवासी बचाव मंच एक ग्रामीणों का एक जनसमूह है जिसे किसी भी तरह की सरकारी फंडिंग उपलब्ध नहीं है और ये सारे ग्रामीण आपस में ही एकजुट होकर सारी चीज़ों को इकट्ठा करके इस पूरे आंदोलन को आज पूरे 1 साल से संचालित कर रहे हैं। आप सोचिए कि किसानों की जो सभा चल रही थी, किसानों का जो आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, उसमें बड़े बड़े किसान थे और तमाम तरह से उन्हें फंडिंग हो रही थी, लेकिन बस्तर के घने जंगलों के अंदर चल रहे इस आंदोलन में, 1 साल से चल रहे इस आंदोलन में किसी भी तरह की कोई बाहरी फंडिंग नहीं है, जिस वजह से ग्रामीण अपने अपने स्तर पर एक दूसरे से सहयोग लेकर, आसपास के लोगों से सहयोग लेकर इस आंदोलन को आज 1 साल से जीवित रखे हैं। और 1 साल की बरसी की तैयारी दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखें, उन्हें पता था कि आज 1 साल की इस बरसी में तमाम अलग अलग क्षेत्रों से ग्रामीण यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर भीड़ होगी और गर्मी का समय है, इस चिलचिलाती धूप में ग्रामीण जब जनसभा में बैठकर सुनेंगे तो उनके बैठने के लिए छांव की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए ग्रामीणों ने आपसी एकजुटता से, आपसी मेहनत से, देखिए किस तरह से ये टेंट नुमा बहुत बड़े इलाके में पूरा एक मचान तैयार किया है। इस मचान में उन्होंने बल्लियाँ और जो ताड़ के पत्ते हैं उसके इस्तेमाल से पूरे छांव की व्यवस्था की है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो दूर तक आप जहाँ तक देखेंगे बहुत बड़े स्तर पर इस मचान को तैयार किया गया है जिसके अंदर ग्रामीण आराम से बैठ सके। साथ ही साथ एक बड़ी झोपड़ी नुमा मचान भी यहाँ पर तैयार किया गया है। ये भी देखें कि इसके नीचे यदि बारिश हो तो ग्रामीण सर छुपा सकें, आने वाले मौसम के किसी भी तरह के बदलाव से अपने आप को सुरक्षित रह सकें। और साथ ही साथ जनसभा में उपस्थित होकर जो बड़े बड़े लोग दूर दराज से जो आदिवासी नेता पहुँचेंगे या लीडर इनके पहुँचेंगे, उनके साथ उनकी बातों को सुन सकें, समझ सकें कि बस्तर में हो क्या रहा है आखिर। दूसरी तरफ यदि इतनी ग्रामीण इतनी गर्मी में यहाँ पहुँचेंगे तो ये भी लाजमी है कि बहुत सारे ग्रामीणों की तबीयत भी ख़राब होगी। तो जब तबीयत ख़राब होगी तो ऐसे में यहाँ पे डॉक्टर या अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि काफ़ी अंदरूनी इलाका है। इन्होंने अपना खुद का एक अस्पताल भी बना रखा है। आइए मैं आपको सिलगेर के आंदोलन में चल रहे एक छोटे से अस्पताल को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक अस्पताल है जिसमें अगर किसी की भी तबीयत ख़राब हो तो उसके लिए सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, है ना। दादा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भीमा होया मैं। भीमा जी, भीमा दादा ये दवाई कौन दे रहा है किसी को भी? दवाई मेडिसिन से लाते हैं सर। नहीं तो देगा कौन? किसी की तबीयत ख़राब रहेगा आप ही दे रहे हो? जी मैं देता हूँ। आप डॉक्टर हो यहाँ पे? डॉक्टर नहीं है, इसी तात्कालीन के लिए देते हैं। हाँ मतलब दवाई आप दे रहे हो तो डॉक्टर ही हुए? जी डॉक्टर है। तो आपको आता है कैसे किसको कौन सा दवाई देना है, कब देना है? सर ऐसे थोड़ा थोड़ा सीखा हूँ। कहाँ से सीख गए? सर वही बड़े डॉक्टर के पास ऐसे रह के देख देख के सीखा हूँ। अच्छा थोड़ा। तो ये किस चीज़ की दवाई है? ये दस्त के लिए देते हैं सर, मेट्रोनिजोल। क्या है ये? मेट्रोनिजोल सर। मेट्रोनिजोल। अच्छा, ये किसके लिए दिया जाता है? दस्त के लिए। अच्छा, और ये दवाई? वो भी वही है सर। अच्छा, मेट्रोनिजोल ये भी दस्त के लिए जी। और ये? ये वाला कोलटेट है सर, ऐसे पेट दर्द के लिए देते हैं। अच्छा, पेट दर्द के लिए। और ये दवाई किसके लिए दी जाती है? ये ताकत के लिए दी जाती है, आँख घूमने से और हाथ पैर खींचने से। अच्छा, तो ये उसके लिए है। इंजेक्शन भी है क्या? इंजेक्शन नहीं है सर, वो डिस्पोजेबल है। ये कौन लगाता है? मैं नहीं लगाता सर, वो ऐसे लाए
अच्छा लाए हैं जी, अगर जरूरत पड़ जाए तो ना, अगर जरूरत पड़ जाए तो कोई है जो इंजेक्शन लगा सके? जी, कोई सीखे वाले यहाँ बुला के लगवाते हैं। तो हैं कोई सीखे वाले इतने लोगों में से? कोई है? कोई है जी। नहीं तो आपको पता है कि नहीं पता है? किसी की जरूरत होगा तो आप तो तत्काल कहाँ इंजेक्शन लगाने वाले ढूंढेंगे, है ना? और क्या क्या दवाई रखें? बस इतना ही रखे यहाँ पे सिर्फ। अच्छा, किसी को चोट लग जाए तो ये सब भी है, पट्टी वट्टी करने का भी व्यवस्था है, है ना? जी। तो ये सिलगेर के आंदोलन के डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब पूरी तन्मयता से इस सभा स्थल के किनारे अपना अस्पताल चला रहे हैं। पैसा ऐसा भी लेते हो क्या दादा? नहीं, फ्री है। फ्री ही मैंने लगा। फ्री है। दवाई कहाँ से लाते हो? दवाई मेडिकल से। मेडिकल खरीद के लाते हो? जी। अच्छा, दवाई मेडिकल से खरीद के लाते हो जी, और यहाँ फ्री में दे रहे हो जी। अभी जगदलपुर का कोई क्लिनिक होता तो खरीद के लाते तो 3-4 गुना उसमें पैसा जोड़ के तब देते, लेकिन सिलगेर के आंदोलन में क्योंकि जन सहयोग से आंदोलन चल रहा है तो दादा जो है इस अस्पताल को चला रहे हैं जन सहयोग से, है ना? इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि बहुत शानदार तरीके से छोटी छोटी झोपड़ियाँ तो तैयार की गई हैं। अब ये भी पता है कि आज 17 मई को यहाँ पर पत्रकारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी जो आएंगे कवर करने के लिए, तो पत्रकारों के लिए क्या व्यवस्था है? पत्रकारों के लिए हालांकि भोजन की व्यवस्था थी, मैंने भोजन गले तक किया है, बहुत शानदार। और अब उसके बाद यहाँ जो है एक छोटी सी गुमटी और बनाई गई है जिसमें चाय बनाया जा रहा है ना। भैया इधर आओ तो। अरे आ जाओ भैया, यार बात ही नहीं करते हो तुम लोग, तो बड़ा दिक्कत है। ये बताओ कि ये चाय बना रहे हो? जी सर, अभी बनाए। किसके लिए चाय बना रहे हो? आप लोगों के लिए सर, यहाँ जो आए हैं बाहर से उन्हीं के लिए बना रहे। अच्छा जी, तो ये क्या क्या है जो चाय पत्ती दूध सब कहाँ से ला रहे हो? जी ये बाजार से लेके आते हैं सर। बाजार से जी। पैसा कौन दिया? जनता का ही है सर, सब मतलब जनता का। जी, तो जनता का पैसा है और जनता के पैसा से पत्रकारों की आवभगत करने के लिए। अब देखिए, लेकिन सरकार अगर इस तरह का कोई बड़ा आयोजन करती है ना तो उसमें पत्रकारों के लिए इस तरह से कोई विशेष आयोजन नहीं रहेगा। पानी वानी का पाउच बोतल रखवा दिए, कभी जनसंपर्क वाले तो रखवा दिए, लेकिन यहाँ विशेष तौर पर केवल पत्रकारों के लिए चाय की व्यवस्था की जा रही है। तमाम 3-4 युवाओं की ड्यूटी लगा दी गई है और बताया जा रहा है कि जनता के पैसे से। दिखाओ भैया, चाय बन रहा है क्या? अच्छा, चाय चढ़ी हुई है चूल्हे पे और साथ ही बिस्किट विस्किट भी रखे थे क्या? कौन सा बिस्किट है? अच्छा, तो ये गुड्डे बिस्किट जी, गुड्डे गुड्डे है, गुड्डे का बिस्किट है। ये भी पत्रकारों के लिए जी, जी। कि सब आम जनता के लिए जी, कोई कोई भूख मतलब भूख पकड़ता है उनके लिए देने के लिए, जिसको भूख लगेगा उसको देने के लिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं गांव वालों ने की है। और ये देखिए उस मंच, ये जो मचान बनाया गया है, टेंट लगाया गया है कहा जा सकता है, देसी टेंट है, और साथ ही साथ वहाँ पर मचान तैयार किया गया है। सोलर प्लेट से माइक की व्यवस्था की गई है और आप आवाज़ सुन ही रहे होंगे। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ग्रामीण जो है अपने स्तर पर देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था करके रखें। अभी सरकार को इस व्यवस्था को करना होता तो आप यकीन मानिए कि कलेक्टर से लेकर एसपी तक और कलेक्टर एसपी के अलावा निचले स्तर के सभी अधिकारियों को दिन रात मेहनत करनी होती कि मुख्यमंत्री का कोई एक बड़ा कार्यक्रम है और उसमें भी इतनी भीड़ ट्रकों में भर कर लाई जाती। और यकीन मानिए कि यहाँ जितनी भीड़ आई है ग्रामीणों की, ये सारी भीड़ स्वस्फूर्त पहुँची है और आसपास के इलाकों से नहीं, बहुत ज़्यादा दूर से कोंटा क्षेत्र से भी बीजापुर पहुँचे हैं। तो और भी लोग हैं यहाँ पे और साथ ही साथ जो भीड़ है सुकमा के, बीजापुर के, दंतेवाड़ा के, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। मैं बातचीत कर रहा था तो कई इलाकों से लोग पहुँचे हैं। कुल मिला के आप ग्रामीणों की एकजुटता देखिए, जीवटता देखिए। जीवटता इसलिए कि एक साल से इस आंदोलन को इन्होंने मरने नहीं दिया है, एक साल से इस आंदोलन को उसी तरह से संचालित किया जा रहा है। ये एकजुटता आपको देखनी होगी, सीखनी होगी, समझना होगा कि आखिर सिलगेर का आंदोलन किस तरह से एक साल से फलीफूत है। अभी मैं बात कर रहा था रघु से, सुनीता हैं। सुनीता एक सेकंड आप आ जाएं। सुनीता ये बताओ कि ये जो आंदोलन चल रहा है आप लोगों का, थोड़ा सा बाहर आ जाओ, ये जो आंदोलन चल रहा है आज एक साल हो गया जी, तो अभी तक तो न्याय मिला नहीं है और ये सारा व्यवस्था कौन आप लोग, आप सब पैसा आपस में मिला के खुद ही कर रहे हो क्या? जी सर, हम लोग खुद ही कर रहे हैं कि हम अपने घर से भी लेके आते हैं, फिर अपना पंचायत भी पैसा और चावल जमा करते हैं सादा करके। अच्छा, सब और ये सब ये जो लाड़ी वाड़ी बना है ये सब ये सब अपने आदिवासी लोग ऐसे बना रहे, यहाँ लोग आके बैठ
बैठे बैठ निकली साए रह निकली। अच्छा जी, और अभी तो न्याय मिला नहीं है, तो ये आंदोलन अभी और चलेगा कि बंद कर दोगे? नहीं, ये आंदोलन बंद नहीं होगा आगे तक, अपना मांग जब तक पूरी नहीं होगा तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे सर। मुख्यमंत्री से मुलाकात में आप भी गई थी ना? जी सर, वो तो मुख्यमंत्री के साथ दो बार गए थे, एक बार नहीं मिल पाए। अच्छा, कौन प्रेस से भी बात हुआ एक बार। अच्छा जी, तो क्या उम्मीद है कि आगे बात होगा, न्याय मिलेगा? नहीं, अपना विश्वास उसके ऐसे उम्मीद नहीं है सर, कि वो अपना मांग पूरी होगा तभी अपन को ये उम्मीद है करके। अच्छा सुनीता, मांग क्या क्या है थोड़ा सा एक बार बता दो सर। अपना मांग है कि वही यहाँ हर जगह में कैंप, नया नया कैंप बिठा रहे हैं और रोड ला रहे हैं। क्या हम बिठाने का जगह में स्कूल 66 हॉस्पिटल होना चाहिए कि बड़ा सा बड़ा रोड क्यों बन रहा है कि ये करकाना कंपनी कदे के लिए ये रोड बनाने चाह रहे हैं। गांव वालों के लिए नहीं बन रहा है, मतलब हर गांव में गली रोड, छोटा छोटा गली रोड नहीं है तो उतना सौड़ा रोड क्यों बनाने चाह रहे हैं करके अपना। अच्छा, वो सिलगेर में राशन का दुकान खुल गया, वो देखे क्या? ठीक है, उसमें राशन वासन मिल रहा है कि नहीं? राशन तो राशन भी मिल रहा है सर, वो राशन भी अभी ठीक से नहीं मिल रहा है कि प्लास्टिक चावल मिला के दे रहे हैं। अच्छा, वो प्लास्टिक नहीं, वो फोर्टिफाइड चावल है, सरकार बना रही है पौष्टिक। सर ऐसे तो चावल का के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, खाना खाने से भी एकदम पेट में कैसे कैसे होता है, ठीक नहीं बोल के सब लोग विरोध कर रहे हैं सर। ऐसा है क्या? जी। अच्छा, लेकिन जा रहे हैं राशन दुकान में? जी, तो राशन दुकान खुलना ठीक लेने वाले लोग ले रहे हैं, नहीं लेने वाले लोग नहीं ले रहे हैं। पहले जैसे शुद्ध चावल आ रहे थे ऐसे शुद्ध चावल अपन को चाहिए। अपन जहाँ किसान लोग धान बेच रहे हैं वहाँ कुछ मिला के नहीं दे रहे हैं कि ठीक से धान बेच रहे हैं, तो उधर से भी शुद्ध चावल अपन को आना चाहिए करके बोल रहे हैं लोग। बहुत बढ़िया। तो सुनीता, अभी आंदोलन लगातार चलता रहेगा ऐसे ही? जी सर, आंदोलन तो रुकेगा नहीं, हमेशा ऐसे जारी रखेंगे, मांग पूरी होने तक ये आंदोलन जारी रखेंगे सर। ठीक है, ये सुनीता है, मूलवासी बचाव मंच की महत्वपूर्ण सदस्य हैं और लगातार इस आंदोलन को लीड करने में एक युवती होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। अब देखना होगा कि सिलगेर में मारे गए तीन ग्रामीण, जो कि अब 5 की संख्या में बताई जा रही है, उन्हें न्याय कब मिल पाता है। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ मैं आपको ये दिखा रहा था कि ग्रामीणों की एकजुटता देखिए, कि सरकार को अगर इतनी बड़े आयोजन को पूरा करना होता तो उसमें उसकी पूरी ताकत लगा दी जाती, लेकिन ग्रामीण आज एक साल से इस इतने बड़े आंदोलन को आज भी जीवित रखे हैं। और ये जीवटता आपके लिए भी सीखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर आपको लगता है कि ग्रामीणों की इस जीवटता को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, एक साल तक जीवित रखे इस आंदोलन को, जिंदा रखना चाहिए कि उन मारे गए 5 आदिवासियों को न्याय मिल सके, तो आप बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।